हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज तिवारी एंड वेलकम टू पीके की पाठशाला। आज के विंडोज 10 के सेशन में हम जानेंगे कि अगर आप डेस्कटॉप पे आइकन ना शो करे, मींस अगर यहाँ पे माय कंप्यूटर रिसाइकल बिन का आइकन ना आए तो आप उस आइकन को कैसे लेके आएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये आइकन नहीं शो करता है और ये सबसे बड़ा टफ हो जाता है कि माई कंप्यूटर का आइकन कैसे ढूंढे, माई कंप्यूटर का आइकन कहाँ से लेके आए। तो उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरीके से आप विंडोज 10 में आइकन को लेके आएंगे। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा और पर्सनलाइज पे जाएंगे। पर्सनलाइज पे जाने के बाद में यहाँ पे थीम का ऑप्शन आ रहा है, थीम पे क्लिक करेंगे। थीम पे क्लिक करने के बाद में डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इस पर क्लिक करना होगा। एंड देन माई कंप्यूटर का चाहिए तो आप माई कंप्यूटर का यहाँ पे चेकबॉक्स कर देंगे। रिसाइकल बिन का चाहिए तो रिसाइकल बिन का चेकबॉक्स कर देंगे। कंट्रोल पैनल का चाहिए तो कंट्रोल पैनल का आपका चेकबॉक्स कर देंगे। मोस्टली जो रिक्वायर्ड होता है माई कंप्यूटर रिसाइकल बिन का होता है। कंट्रोल पैनल वो तो हम कंट्रोल कमांड होता है उसके थ्रू भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है कोई चीज़ आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल पैनल का भी आप यहाँ पर चेकबॉक्स कर सकते हैं। इसको करेंगे एंड देन अप्लाई एंड ओके। इसको करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये दिस पीसी, मतलब ये माई कंप्यूटर जिसमें आप ड्राइव्स ओपन करते हैं, ये आ रहा है यहाँ पे कंट्रोल पैनल और रिसाइकल पिन, ये तीनों आइकन यहाँ पे शो कर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।